हैं अल्बर्ट हॉल म्यूजियम में देखने, म्यूजियम देखने। वो मेरे को देखने के लिए 2300 साल पुरानी मम्मी इजिप्ट इजिप्ट से लाई गई। तो हम हमारे पास सिर्फ हाफ एन आवर है और हाफ एन आवर में हमको हाँ, और यहाँ पे बहुत एकदम कलरिंग कलरिंग है, पता नहीं कहाँ से एंटर है, मुझे नहीं हो रहा। और अभी हम जा रहे हैं, पहले हम मम्मी देखने जाएंगे। क्या देखेंगे? 2300 साल पुरानी। हाँ पहले हम मम्मी अंदर नहीं, अलाउ तो क्या हुआ, हम तो देखेंगे, फील करेंगे मम्मी को। तो मैं अभी जा रही हूँ, हमने टिकट ले लिया है और ये है फ्रंट, देखो कैसे कलरफुल बना है, एकदम अलग अलग कलर। चलो चलो फटाफट। तो फटाफट चलो ना, पहले यहाँ पे देखो कितनी कालीन और लगी हुई बड़ी बड़ी, कितना बड़ा बड़ा कालीन। एक वाला ये ब्लॉग सीरीज का बना के अपन डालेंगे, म्यूजिक वाला मस्त लग रहा है ना। We are the only two people in museum, whole museum. It's a two floor museum. नहीं और भी लोग होंगे ऊपर। देखते हैं किधर है। हाँ किधर से जाने गए? नहीं अभी उधर से नहीं जाने का है। यहाँ से जाने का। यहाँ पे देखो कितनी कितनी वैरायटी, मतलब कितना सब कुछ पड़ा है। बहुत सारी है, देखो ना कितना पुराना है ये, चौथी सदी। चौथी सदी का, फोर्थ सेंचुरी। देखो कैसे कैसे रखे हैं, ये 8वीं सदी का, ये 10वीं सदी। तो अभी हम आ गए हैं इसे फर्स्ट फ्लोर पे, और यहाँ पर भी ना बहुत एंटीक एंटीक चीज़ें रखी हुई है। यहाँ पे लिखा है देखो, आगरा पानी बोतल, 1 नंबर का पानी बोतल, चौकटा 2 नंबर का चौकटा, तीसरा सब चौकटा 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 चौकटा, ओके 9 नंबर पे क्या है लास्ट, ओके। और ये क्या है यहाँ पे भी, ये सब बोतल है पानी, कूपी फ्लास्क, और ये कूपी फ्लास्क, परिवा बोलते थे इसको, परिवा बोतल। पहले मम्मी देखने जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं मम्मी ही देखने। 2300 साल पुरानी मम्मी यहाँ पे लगी है, इजिप्ट से। ओके मम्मी यहाँ पे टूटू नाम है, ऑलमोस्ट 2300 साल पुरानी है, 322 से 330 ईस्वी इस मम्मी का कहना है, ओरिजिनली है, इजिप्ट से लाई हुई है। 2000 और इसके बारे में लिखा हुआ पढ़ लो क्या लिखा है। मेरी मम्मी अल्बर्ट हॉल म्यूजियम के अंदर, बहुत ही स्पेशल, इसी को देखने आए हैं हम लोग ज़्यादातर, 2300 साल पुराना। ये भी लाई हुई है मिस्र, इजिप्ट से लेके आए हैं यहाँ पे इंडिया में, और ये फर्स्ट मतलब मम्मी है जो इंडियन म्यूजियम में रखी थी, ये अल्बर्ट हॉल म्यूजियम के अंदर जयपुर के अंदर, और ये बहुत पुराना म्यूजियम है, यहाँ पे इसकी डिटेल्स लिखी हुई है। इस महिला का नाम है, ये महिला की मम्मी है, इस महिला का नाम है तूतू, और ये ईस्वी
या 322 से 30 ईस्वी मतलब 2300 साल पुरानी है। इसको सब पुराना सब कोटिंग्स किया हुआ है, बाहर ऊपर भी सब इजिप्ट का लगाया हुआ। फाइनली हम लोग ने मम्मी देख ली जो हम लोग को देखनी थी, और यहाँ पे देखो गोल्ड वो सोने की तार बनाने वाला पटवा और किरण बनाने वाला, ये किरण नाम था और ये सुनार है, गोल्ड बनाता है सब अलग अलग बैंगल मेकर्स, चूड़ी बनाने वाला और उसका ऊपर दिख नहीं रहा क्या लिखा हुआ, ब्रेसलेट बनाने वाला ये। अच्छा, और ये है बुनकर, बुनकर बुन के है, और ये है किरण पर स्टैंप लगाने वाला, स्टैंप लगा। किरण मतलब क्या? किरण एक टाइप की साड़ी, साड़ी लेस, के लेस के ऊपर लेस मेकर है। ये तार का सब बहुत सारे है, सब अलग अलग अलग। और ये है म्यूजियम में आओगे तो पता चलेगा। आगे चलते, कृष्णा और राधा की मूर्ति है यहाँ पे। बस मम्मी देखने आया था, मम्मी देख ली मैंने। कभी तो बोलूँगा कि मैंने भी इजिप्ट की मम्मी देखी है भाई, जो जयपुर में है अल्बर्ट हॉल म्यूजियम के अंदर। फोटो खींचना था, हाँ यार फोटो भी खींच लेता था, मैं सोच रहा हूँ वही फोटो खींच लेते, चलो मेरा तो खींच लो, मेरा तो खींच लो। अंदर ही इसके फ्लोर पे, और यहाँ पे नहीं, ये तो हम लोगों ने देख लिया था आकृति, पृथ्वीराज चौहान नक्काशी है, इसमें पुरानी लैंग्वेज लिखी हुई है, संस्कृति होगी। बहुत सारी पेंटिंग है इस पे, आर्टिफैक्ट्स भी है बहुत सारे। यहाँ पे भी आर्टिफैक्ट्स, ट्राई कर रहा एक लो, सब आर्टिफैक्ट्स, सब आर्टिफैक्ट्स, सब अलग अलग कार्ड बॉक्स, चंदन की लकड़ी, हाथी का दांत, कार्ड बॉक्स मिक्स, कितना सुंदर लग रहा है आर्टिफैक्ट्स। हाथी दांत की कलाकृति, हाथी दांत से बने हुए सब कुछ, हाँ इसमें यहाँ पे टॉवर्स है पूरे सब, वाह ज्वेलरी, ये ज्वेलरी नेकलेस सब 19th सेंचुरी की ज्वेलरी से, जो राजस्थान में डिजाइन हुई थी उस टाइम में 19वीं सेंचुरी की, उस टाइम पे ये लोग पहनते थे। राजस्थानी ये सब राजस्थान के पुराने पोशाक पहनने वाले, सॉरी उनके चूड़ी वूड़ी सब है, अच्छे पुराने मार्बल्स में। ये इसको क्या बोलते हैं राजस्थान के, बोलते हैं ना पाव के गहने, कल्ली अलग अलग सब पाव की वैरायटी जो अलग अलग तरह पहनी जाती है, पहनी जाती है राजस्थान में पुराने, अभी भी पहनते हैं अभी ऐसे इस टाइप की, ये मतलब जेंट्स लोग भी, जेंट्स लोग ज्यादा मोस्टली पहनते हैं। और ये है लेडीज का, यहाँ पे सब तरह की पायल जैसी रहती है, ये पुराने टाइप की, पुराने टाइप की ऊपर भी है, ये हाथ के कड़े लग रहे हैं, और ये हाथ में पहनने वाले लिखा वहाँ पे सब सिल्वर के, ये भी सेम हाथ वाले, हाथ के कड़े, आज ऐसी डिजाइन मिलती नहीं है, ये पुरानी डिजाइन आज भी लोग पहनना पसंद करते हैं। सामने भी नेकलेस पे, बिछिया पैर के में कमलदान, ये क्या है यहाँ पे, आशा का हत्था, चांदी का मीना भरा हुआ है, अभी भी मीने वाली चीज सामान ज्यादा बिकते हैं, लोग बोलते हैं मीना भराई यूज करो, मीना भराई का सब मीना भरा हुआ सब चीजों में चांदी, लोग पहले गए हंसली, हाँ हंसली हंसली जो भी बोलते थे पहले, सब पहले ऑर्नामेंट से पूरे सब नेकलेस, हाँ, ये सब गले के है, सोने ही है, सोने ही है, सोने के है, और ये भी गले का है जो पहले पहने थे, कहते पहले के लोग पहनते थे, ये है चांदी का, और ये भी सोने का है, ये भी सोने चांदी का है, सब पहले पहनते थे लोग, आज भी ये डिजाइन, ये सब कड़े पैर के लग रहे हैं मुझे,
खान के झूमर इयर रिंग बोलते हैं जिसको, बड़े बड़े इतने छोटे छोटे ऐसे यहाँ पे ऊपर पहनने वाले, ये यहाँ ऊपर साइड पहनते थे वो, अलग बैठे बहुत सारे काम की। ये क्या हाथ की रखड़ी शायद, पियानो का मेज, कुर्सी, अरे टेबल पुरानी राजस्थान में यूज होने वाली टेबल कैबिनेट टाइप का, ये भी यहाँ पे भी आर्टिफैक्ट्स है बहुत सारे, सब पुराने टाइम के राजस्थान के स्पेशली। ये मॉडल ऑफ सेनापति ऑफ महाराज सवाई माधव सिंह एट गायतर, माधव सिंह द्वितीय की समाधि है ये गायतर, इसका एक ये मतलब क्या बोलते हैं इसको, सैंपल ही बोलेंगे क्या बोलेंगे, यहाँ पे बताया हुआ है। पूरे राजस्थान का ही है, पूरे राजस्थान में उस टाइम पे मंदिर राजस्थान के। पोशाक ये 19th सेंचुरी में ऐसे पहनते थे लोग अपने राजस्थान में, हाइट इसकी बहुत है ये पोशाक की, तो ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से 8 feet के आसपास है ये लेडीज का पोशाक, ये ऑलमोस्ट ये तो चुनरी तो अभी इसी टाइप की भी मिलती है अभी भी, गोटा पट्टी। ये सब क्या लिखा है, किम खान और मशरू, सही, ये भी चुनरी है, ये भी ड्रेस है, ये तो गर्ल्स का ही लग रहा है, महिला की पोशाक, ड्रेस ऑफ लेडी विलेज, ये दुपट्टे टाइप। अंधेरा शायद दिख रहा नहीं होगा आपको यहाँ पे, चलो उस तरफ क्या अलग अलग टाइप की पगड़ी, ऐसे ऐसी पगड़ी सैंपल ऑफ चाप का रास्ता इधर से है लास्ट, डायरेक्ट एग्जिट थोड़ी करने का, हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे भी जाना है ना। ये मास्क पहनते थे पुराने टाइम पे, यहाँ पे लिखा हुआ पुराने कथाओं में मंचन में प्रयुक्त होने वाले मुकुट है 19वीं सदी श्रीलंका से लाए हुए 19th century श्रीलंका के, मास्क पहनते थे मतलब इंसान ही पहनते थे, कुछ पौराणिक कथाओं में यूज में मास्क यूज इन मैथोलॉजी प्ले। ओके यहाँ पर म्यूजियम, अभी हम लोग बाहर आ गए, ये पूरा मतलब रोड के सेंटर में ही है तो आपको दिख जाएगा, बहुत ही अच्छा बना हुआ, बहुत ही अच्छा म्यूजियम है, कोई भी जयपुर आए तो एटलीस्ट इस म्यूजियम में आ जाइए, और ज़्यादा चार्ज भी नहीं है, 52 rupees है पर पर्सन, वहाँ वर्थ है, देखने लायक है आर्टिफैक्ट्स के, सब राजस्थान के आर्टिफैक्ट्स, और स्पेशली वहाँ पे मम्मी भी है।